प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत दादरी जिले के किसान इन दिनों मछली उत्पादन करके खासा लाभ कमा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2025 तक इस योजना के तहत देश भर में 20,50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। गांव झोझू के मछली उत्पादक किसानों ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत मछली उत्पादन करने वाले किसानों को 40% से 60% तक की सब्सिडी विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि वे परंपरागत तरीके से जोहड़ों में मछली उत्पादन की बजाय बहुत ही छोटे स्थान पर मिट्टी खोदकर उसमें प्लास्टिक का कपड़ा बिछाकर कम पानी का खर्च करते हुए मछली उत्पादन कर रहे हैं। मछली उत्पादन की मात्र 2 फसलों में ही उनके द्वारा लगाई गई लागत पूरी हो रही है। जो है ना अपना सब्सिडी सरकार की ओर से मिलती है और बाकी हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 7 टैंक हैं जिसमें से हमें तकरीबन 7 लाख की हमारी लागत आई हुई है। इस पे जो गवर्नमेंट है वो 40% तक जनरल कोटा को और महिलाओं को 60% तक की जो है सब्सिडी प्रदान करती है। जब मैं वहाँ पे डिपार्टमेंट गया तो मुझे इस योजना के बारे में बताया गया। मैं पहले ही काफ़ी इच्छुक था पर वो योजना मिलने के बाद मैं उसे ज़्यादा मतलब उत्साही तरीके से इसको कर पा रहा हूँ। मैं अभी ये जो कल्चर है वो अपना दूसरा कल्चर चल रहा है। यदि कल्चर की बात करें तो आप यहाँ पे आराम से जितनी आपकी लागत आएगी यानी आपकी पूरी कॉस्टिंग यहाँ पे 7 लाख तक पड़ती है कल्चर में। यदि आप स्टार्टिंग करते हैं तो 50% तक आपका जो है ना प्रॉफिट रहता है। यानी कि आप 7 लाख रुपये लगाते हैं तो मिनिमम 3 से 3.5 लाख रुपये आप 6 महीनों के अंदर आप इजिली बना पाएंगे। तो मत्स्य पालन की योजना है जो पहले पारंपरिक रूप से जो मत्स्य पालन किया जाता था अब उसमें कुछ बदलाव हुए हैं। जैसे पहले जो लोग जोड़ों वगैरह में मछली डालते थे और इसमें पानी की भी काफ़ी वेस्टेज होती थी, लेकिन अब जो ये नई तकनीक आई है इसके द्वारा हम बायोफ्लोक बना के मत्स्य पालन कर रहे हैं और इसमें हम फ्यूचर में भविष्य में हम देखते हैं कि काफ़ी इससे फ़ायदा हो सकता है और जो एक आत्मनिर्भर बनने की बात है उसमें भी ये काफ़ी सहायक है।